पहले कभी एमिली आई थी, आज टेक्नोलॉजीज आएगी उसके डाई हार्ट फैन है। ढूंढते ढूंढते पहुंच गए, यहाँ तक आ गए तो आगे भी पहुंच जाएगी। देखा, ये हमें 2 साल पहले पोर्ट्रेट बनाए थे, आपको याद होगा, आप लोग को भी याद होगा। अरे वो जो रॉ एग होता है ना, आपको तो पता है ना कि वो थोड़ा हेल्दी होता है। रॉ एग खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, मेरे को नहीं पता कौन से फायदे होते हैं, बट फायदे होते हैं। यहाँ पर थैंक यू नहीं मर्सी बोलना पड़ता है, मर्सी। और एक बंदे से मेरी बहस हो गई, वो स्कैमर था, मिला नहीं ना। यहाँ पर वैसे बहुत बहुत महंगा है भाई, पेरिस में आओ तो लुट जाओ समझो। दूसरा दिन है और हम लोग जा रहे हैं माउंट मार्ट्रे। उससे पहले हम लोग नाश्ता करेंगे क्योंकि हमारे होटल में नाश्ता कुछ खास नहीं है, तो हमने सोचा हम लोग बाहर जाके नाश्ता कर लेते हैं। माउंट मार्ट्रे हम लोग पहले भी गए थे और वहाँ पर हम लोग ने ब्लॉग बनाया था। इस बार अगर हम लोग ऐसी जगह पे गए वहाँ जहाँ हम लोग पहले नहीं गए थे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकॉर्ड करके दिखाऊँगी कि कुछ नई जगह है। क्या बताया था आपने, 2-3 जगह है जो ट्राई करेंगे, अगर अच्छा लगा तो देखेंगे। और आपने पिछली बार क्या बोला था, क्या बोला था, सुनने को कहानी, सुनने को कहानी। इस बार कोई मिला नहीं ना आपको, कहानी सुनाने के लिए मिला नहीं। इस बार अकेले घूम रहे हैं, कोई मिला नहीं। दूसरा दिन है, मिलेंगे जरूर मिलेंगे। आईफिल टावर के पास ज्यादा होते हैं, हाँ वहाँ मिलेंगे सुनने को कहानी। तो चलते चलते दोस्तों हमें एक रेस्टोरेंट मिल गई है और यहाँ पर वैसे बहुत बहुत महंगा है भाई, पेरिस में आओ तो लुट जाओ समझो। इतना महंगा है कि सिर्फ मुझे 1200 रुपये का तो एक ऑमलेट मिल रहा है, एक ऑमलेट जो 30-40 रुपये का मिलता है अपने उधर। तो क्या बताओ, घर में तो इतने अच्छे से अच्छा बना के खा लेते ब्रेड के साथ में, रोटी के साथ में, इधर सिर्फ नॉर्मल ऑमलेट इसके साथ कुछ नहीं आएगा, 1200 रुपये का। लुट गया मैं इधर आके। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना अच्छा ये ऑमलेट होता है और इसके बाद फिर हमारा जर्नी को शुरू करते हैं। तो ये हमारी कॉफ़ी आ चुकी है, मस्त एकदम चॉकलेट पाउडर मार के दिया है, कप्पा चुनो। ये आइज़ा का हॉट चॉकलेट मिल्क आया है। आफ़रीन आफ़रीन, एक बार जरा टेस्ट करके बताओ तो तुम्हें क्या लग रहा है, कॉफ़ी पेरिस में पी रही हो तुम, पेरिस में कॉफ़ी? कॉफ़ी तो हर जगह की सेम होती है ना, लेकिन चक्के बताइए, एक्सपीरियंस बताइए कैसा लगा, जल्दी पिए। लोगों को ब्लॉग एक्सटेंड नहीं करना है, वैसे पेरिस में दोस्तों एक चीज़ बहुत फेमस होती है इनके ब्रेकफास्ट में और ये लोग बहुत खाते हैं, वो है ये क्रोसॉन। क्रोसॉन्ट ऐसा इसका मतलब लिखा हुआ जाता है लेकिन प्रोनाउंस करते हैं क्रोसॉन, और ये बहुत ही मशहूर होता है पेरिस के अंदर। इसको टेस्ट करके आप लोग को बताते हैं, पूरा मैदा है और मीठा है, थोड़ा मीठा है और थोड़ा कुरकुरा है। इसको क्या होता है ना, अपने इंडियन शहर में अपन ऐसे डुबाया खाया। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट आ चुका है और हम लोगों ने ऑमलेट ऑर्डर किया था। मैं आपको यहाँ का ऑमलेट दिखाती हूँ, मैंने वेजिटेबल ऑमलेट ऑर्डर किया था, इन्होंने चीज़ ऑमलेट किया था। ये मेरे को ऑमलेट है, वेजिटेबल ऑमलेट है और ये अंदर से एकदम ही कच्चा है। इन लोगों का खाना बहुत अजीब है, बहुत अजीब। लेकिन आप क्या बोल रहे थे सेहत के बारे में, खाली वेजिटेबल अच्छी है बस, सेहत के बारे में एग भी तो कच्चा लग गया अंदर से पूरा, कि वो सेहतमंद होता है। अरे वो जो रॉ एग होता है ना, आपको तो पता है ना कि वो थोड़ा हेल्दी होता है। रॉ एग खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं, मेरे को नहीं पता कौन से फायदे होते हैं, बट फायदे होते हैं। मैं आपको घर पे भी रॉ एग खिलाऊंगा, ठीक है? वो कभी कभी खाने का, घर पे नहीं खाने का, कभी कभी खाने। अच्छा, तो हमारा नाश्ता हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं। इससे पहले हम ज़रा टेक्नोलॉजी से पूछे कि जो हमने खाया है दो ऑमलेट, उसका टोटल कितना होगा। हाँ तो टोटल हुआ है 53 यूरोस, यानी कि 4,500, अभी 90 का भाव चल रहा है, मतलब 1 यूरोस 90 रुपीज़ ये रेट चल रहा है। तो अभी कन्वर्जन रेट के हिसाब से बोलूँ तो लगभग 4,500 रुपये के ऊपर हो गए। तो इतना महंगा सिर्फ दो ऑमलेट और एक हॉट चॉकलेट मिल गया था, और ये वाटर नहीं, वाटर। आप चिल्लर ऐसे वो सोच के रख रहे हैं। तो हम लोग मोहन मार्ट्रे पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं ला मेसन रोज, जो कि बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस कैफ़े है।
और ये इतना पुराना है। वो जो अपना पिकासा जो था ना, कौन था जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाया? कोई हाँ वो याद नहीं आ रहा था। तो वो लोग यहाँ पर मीटिंग वीटिंग करते थे। चलो उधर ही बता, वो लोग यहाँ मीटिंग वीटिंग करते थे, आप टेक्नोलॉजी भी वहाँ मीटिंग करेंगे बैठ कर। तो काफ़ी फेमस है, पिछली बार हम लोग नहीं जा पाए थे, इस बार जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो क्या जगह है। ठीक है, पिछली बार भी हम लोग जब यहाँ आए थे तो मैंने आपको बताया था यहाँ की जो गलियाँ हैं, यहाँ की रोड है, वो बहुत पसंद है मुझे। साइड में आपको ऐसी शॉप्स नज़र आएंगी, ये सेल लगी है, और फ्रूट्स वगैरह की मार्केट भी अभी आने वाली है आगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आकर होती है हमें स्टॉलर की, फिर उसके भी है ना यहाँ नहीं चल पाते, तो अभी हम लोग को वही होने प्रॉब्लम होने वाली है। ये बेकरीज़ है यहाँ पर, बहुत फेमस फेमस बेकरीज़ आपको नज़र आएंगी। और क्या करना है आपको? मैं यहाँ से कुछ बिस्किट्स और चॉकलेट्स वगैरह लेने की सोच रहा था मेरे घर वालों के लिए, मेरे डैडी को बहुत पसंद है चॉकलेट्स। तो ये एक बढ़िया सा बिस्किट दिखा है, देखो कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ पर देखो बहुत सारे बिस्किट्स, एक राउंड लगाते हैं हम लोग, कुछ उठाते हैं यहाँ से। यहाँ पे चॉकलेट्स की वैरायटीज़ है, डार्क चॉकलेट्स की वैरायटी अगर आप देखोगे तो इतनी सारी वैरायटी है। चॉकलेट है ये जो हम लेने वाले हैं, ये वाली ऑरेंज फ्लेवर के डार्क चॉकलेट है, ये वाली एकदम ये सॉल्टी है, आप इनको कुछ तो यहाँ से पसंद आ रहा है। मैंने ये वाला ले लिया और मेरे लिए बिस्किट मस्त एकदम। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, आगे भी कुछ खरीदने वाला हूँ मस्त। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर ये सामान ले लिया है, दो बॉक्स लिए हैं बिस्किट्स के, वो भी अच्छे वाले बिस्किट्स थे, बढ़िया से ओरिजिनल डार्क चॉकलेट्स। और यहाँ पर आइजा के लिए पसंद आ गई तो कैंडी। इन लोग के पास हर एक चीज़ की बहुत सारी वैरायटीज है, यहाँ चॉकलेट्स कैंडीज एंड बिस्किट्स ही नज़र आ रहे हैं। टोटल कितना हुआ? 35-43 यूरोस, यानी कि 3,700-3,800 रुपए का पड़ा, जो कि ठीक, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है, बनता है वो तो। हमारा पार्सल रेडी हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। कौन सा अभी खाने वाले हो? यहाँ पर थैंक यू नहीं, मर्सी बोलना पड़ता है, मर्सी। तो हम लोगों ने स्ट्रीट में घुसते ही शॉपिंग भी शुरू कर दी है, मस्त एकदम। अभी एक्चुअली में हम लोग को जाना है लाम ऐसन रोस, जो एक बहुत ही फेमस कैफ़े है, लेकिन ये हम लोग साकरपुर पहले देखे, तो साकरपुर में बाद में आएंगे, हम लोग जाएंगे लाम ऐसन रोस। बहुत सारी स्टेयर्स हैं और हम लोग ट्रॉली लेकर स्टेयर्स पे नहीं जा सकते, तो हम लोग जाएंगे यहाँ से। यहाँ पर हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ से पूरा पेरिस यहाँ पर दिखाई देता है, ये देखो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेरिस। आईफिल टावर तो नहीं है, आईफिल टावर मेरे ख्याल से दूसरे साइड होगा, बट यहाँ से पूरा पेरिस दिखाई दे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये पेरिस की सबसे पुरानी चर्च मानी जाती है साकरपुर, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी हिस्ट्रीज है, और ये यहाँ पर बहुत सारे वो खड़े रहते हैं लोग एंटरटेनमेंट के लिए, इधर भी ऊपर भी, हम ऊपर भी जाकर आपको दिखाएंगे, लेकिन जो व्यू है यहाँ पर वो बहुत अच्छा। और नीचे जो लोग पिकनिक एरिया भी है, वहाँ पर लोग पिकनिक विकनिक भी करते हैं। तो ये एरिया का नाम है साकरेकोर, साकरेकोर, हाँ साकरेकोर ऐसी नाम है। मोमार्ट्र के अंदर कम से कम 5-6 ऐसी जगह है जहाँ पर आपको घूमना चाहिए अगर आप पेरिस आते तो। ये एक छोटा सा विलेज भी माना जाता है, हालांकि है नहीं, काफ़ी मॉडर्न है, बट मॉडर्न विलेज बोलते हैं इसको। साकरेकोर हम यहाँ पर है, पहला डेस्टिनेशन है, इसके बाद हम और 2-3 डेस्टिनेशन पर जाएंगे, पेंटिंग वेंटिंग भी होती है वो भी बताएंगे। तो ये जो पिकासा विकासा जो घूमते हैं ना, इस एरिया में बहुत घूमता था, इसीलिए इस एरिया को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ पर पेरिस का बहुत ही फेमस वो क्यूजीन बोलते हैं, इसका नाम है क्रेप, और वो आप लोग यहाँ पर खाने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है, ये पैनकेक जैसा होता है, और यहाँ पर उसमें बनाना है, मैंने फ्लेवर बोला तो बनाना जाएगा उसके अंदर। बहुत ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, ये स्ट्रॉबेरीज भी लगा हुआ है, अगर आपको फ्लेवर चाहिए नटेला वगैरह सब डाल के देंगे। और ये है शुगर का भंडार, काफ़ी के लिए बहुत नुकसान वाली चीज़ है। काफ़ी थोड़ा चखोगी? नो तो टेस्ट करके आपको बता दें कि फेरिस का फेमस क्रेप्स जो है वो कितना अच्छा होता है। वैसे ये पैनकेक है, उसमें नटेला डाला है और बनाना डाला है, तो कुछ खास तो ऐसा लग नहीं रहा है,
वैसे ही टेस्ट होगा, बस जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसे ही। कुछ खास सब कुछ नहीं है वहाँ का ट्रेन, आप दिखाओ। तो ये जो ट्रेन गई है ना दोस्तों, इसको पेटाइट ट्रेन बोलते हैं। अगर आपको मॉन मार्ट्रे के अंदर चढ़ना नहीं है ऊपर, क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो आप इस ट्रेन के अंदर यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। 40 मिनट का राइड होता है, पूरा मॉन मार्ट्रे आपको घुमा देगा। मज़ा नहीं आया? अच्छा, तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कहीं रेस्टोरेंट में कुछ खाने या पीने। मौसम बहुत अच्छा है लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ठंड लग रही है। यहाँ हमें हिंदी मिल जाएंगी, हिंदी बोलने वाले। होटल के बारे में पूछ रहे हैं, कोई इंडियन होटल मिल जाए तो कुछ खा सकते हैं। मिला? मैं उनसे पूछ रहा था कि यहाँ पर कोई इंडियन होटल है कि नहीं। दो तीन इंडियन यहाँ पर जो सेल करते हैं, तो वो बोला कि नीचे है यहाँ पर। तो हम लोग आगे से घूम के जाना पड़ेगा, बाद में जाएंगे अभी आराम से। क्या ख्याल है आपका ये कार के बारे में? बहुत सी ब्यूटीफुल कार है, बहुत महंगी लग रही है। ये हमें दो साल पहले पोर्ट्रेट बनाए थे, आपको याद होगा। आप लोग को भी याद होगा, इन लोग इन्हें भी हम याद है। इस बार हम लोग नहीं बनेंगे, लेकिन नहीं इस बार हम लोग उल्लू नहीं बनने वाले। पिछले बार हम लोग उल्लू बन गए थे, बड़ा उल्लू बनाया था उसमें। बहुत महंगा पेंटिंग है। एकदम रियल बनाते हैं लोग। यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, लोग पोर्ट्रेट बनवाने के लिए पागल है। तो हम लोग एक कैफे के अंदर घुस चुके हैं। बैठे बैठे हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, हमने सोचा एक कैफे में घुस जाएंगे। और एक बंदे से मेरी बहस हो गई, वो स्कैमर था, तो वो बोल रहा था कि मेरा वीडियो क्यों लिया, जबकि वो स्कैमर था। अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ खास मिलता है, तो टाइम पास करते, थोड़ा गर्म होते फिर निकलते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? अभी जाएंगे ला मैसन रोज़ जा रहे हैं, फेमस कैफ़े है। और उसके बाद वहाँ से हम लोग एक्वेरियम जाएंगे। ये आफरीन का प्लान था पूरा, कि आज का दिन कुछ कर नहीं पाएंगे तो एक्वेरियम चले जाएंगे। तो हम लोग एक्वेरियम जाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। नए लोग यही करते रहेंगे। ये है वो फेमस जगह जहाँ हम आने के लिए कब से तरसते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेस्टोरेंट है इसकी डिज़ाइन जो है यहाँ पर पिछले 150 साल से ऐसी की ऐसी रखा है, सिर्फ रेनोवेट किया है। लेकिन डिज़ाइन उसका जो मज़ा है ना असली, वो सेम टू सेम वैसे ही रखा है। और साथ में यहाँ पर इसको मोमाट्रे का हार्ट बोलते हैं, मतलब सेंटर के अंदर पड़ता है जो हम लोग मोमाट्रे में आए हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो पिकासा है और जो बड़े बड़े जो उस जमाने के पेंटर्स थे ना, वो लोग यहाँ पर मीटिंग करते थे, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते थे। और एमिली इन पेरिस जो उसका नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, वो यहाँ पर कॉफ़ी पीती है और नीचे स्ट्रीट पर चलती है। ये है वो ला मेसन रोज़, बहुत ही फेमस कैफ़े है और भी उन्होंने बंद करके रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे। और ये स्ट्रीट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, थोड़ा सा विलेज जैसा वाइब है। ये घर देखो कितना प्यारा है, इसके ऊपर सारे प्लांट्स और ट्रीज देखकर कितना अच्छा लगा। और वो वहाँ पर साखरे पूरा आपको पीछे दिखाई दे रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत ही पीस है, बहुत ही शांति है। और ये है ला मेसन रोज। तो अगर आप मोमाट्रे आते हो तो डेफिनेटली ये कैफ़े ज़रूर विजिट करना, और अंदर जाके कॉफ़ी तो पीना ही पीना, भले आप लौट जाए। तो ये है वो जगह जहाँ पर इनकी एमिली ने एक छोटा सा शॉट दिया था,
उसके सीरीज में बेड लगाई थी, बेड यहाँ उसने बेड लगाया था और उसके ऊपर बैठी थी वो, उसके ऊपर बैठी यहाँ पर ये लोकेशन हो। पूरा डिटेल तो आपको इनसे मिल ही जाएगा कि उसने क्या किया था यहाँ पे। अरे शट अप यार। तो यहाँ वही जगह है ये, यहाँ लोग आकर वीडियो बना रहे हैं, फोटोज क्लिक कर रहे हैं। अगर आपको पेरिस के बारे में और जानना है तो आप लोग एमिली इन पेरिस ज़रूर देखो। उसने उस सीरीज़ के अंदर पेरिस की हर एक जगह, हर एक चीज़ बहुत अलग से मतलब उन लोगों ने दिखाया है, ताकि लोगों को पता चले पेरिस के बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी जो फेमस जगह है वो क्या है। यहाँ पे था क्या वो? ये बैठे यहाँ पे। आज पहले कभी एमिली आई थी, आज टेक्नोलॉजीज आएगी उसकी। डाई हार्ट फैन है। ढूंढते ढूंढते पहुँच गए, यहाँ तक आ गए, आगे भी पहुँच जाए। देखा। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो इलाके में आए हैं, ये मोमार्ट्रे का एक लौता विंड मिल है। ये देखेंगे यहाँ पर, ये बहुत ही विंटेज, बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी सालों से ऐसे के ऐसे ये सिर्फ रेनोवेशन किया जाता है। यूरोप की खूबसूरती ये है कि ये लोग जो है ना कम्प्लीटली स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते, ये जैसा होता है वैसे ही रखते हैं, इसलिए एकदम हिस्टोरिकल चीज़ें लगती हैं यहाँ पर हमें, सिर्फ उसको रेनोवेट करते हैं। और यहाँ पर ये जो विंड मिल है, इसमें आटा वगैरह बनाया जाता है, और नीचे के रेस्टोरेंट में देखेंगे तो यहाँ पर लोग खाते भी हैं, और यहाँ से पेरिस के अंदर उसको भेजा भी जाता है। तो ये इकलौता है, ऐसे दो थे पहले, लेकिन सिर्फ अभी एक ही बचा है जो मोमार्ट्र के अंदर है। वरना अगर आपको ऐसे विंडमिल देखना हो तो गांव में जाना पड़ता है पेरिस के, जो कि हम यूरोप से दूसरी मतलब इसी यूरोप में हम लोग जाएंगे एम्स्टर्डम, वहाँ पर हमें काफ़ी विंडमिल्स मिलेंगे, तो आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही विंटेज एक्सपीरियंस हो रहा है। वहीं चाहते हैं अपने वहाँ खाने। ये कितना अच्छा है ना। 8 बजे रात को खाने को जाएंगे अपना। मैं घर पे खाना नहीं लाने वाला। हाँ मैं पहले बोल रहा हूँ, घर पे खाना नहीं दे, क्योंकि बाहर जाके खाना पड़ेगा। कितनी बार लाए हैं? पिछले बार जब पेरिस आए थे ना, उसकी बार की बात ना करें। महारानी जी जो है रात में बैठे रहती थी, तो हम बाहर आज की बात करें, ठंडी में कप आ देते। आज की बात करें, आपको स्टाइल मारना है तो हम क्या करें? स्टाइल मारते मारते करते भाई। मैंने बोला भी था कि कुछ अच्छा ले लो, मोटा ले लो। नहीं अभी देखो, ये लोग बेचारे घूम रहे हैं ना अच्छे खासे मोटे कपड़े पहन के, लेकिन आपको स्टाइल मारना था। तो आज हमारा दिन बहुत जल्दी ख़त्म, मतलब दिन ख़त्म नहीं हुआ, हम लोगों का जो भी घूमना फिरना था वो ख़त्म हो गया। मोमार्ट्र आकर मतलब पहले हम लोग घूम चुके हैं ना, तो उतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन अच्छा लगा, अच्छी जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है। और अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, स्टेशन से हम लोग एक्वेरियम जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही बजा है, 1:17 हो रहे हैं, और अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम लोग एक्वेरियम चले जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा माइंड फ्रेश करेंगे, और फिर वहाँ से सीधा होटल। और कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, जो कल की वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है। इंडिया के अंदर जैसे लोकल मार्केट होता है ना, कुछ कपड़े वपड़े लगे होते हैं, टुकड़े कपड़े, तो यहाँ पर भी देखो लोकल मार्केट है, ऐसे छोटे छोटे आपको, छोटे नहीं, शॉप तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ऐसे स्टॉल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको लोकल कपड़े मिलते हैं, वो आप पहन सकते हो, मतलब खरीद सकते हो और पहन सकते हो, इनको खरीद कर बना सकते हो। और यहाँ बड़े भी हैं और छोटे जो टुकड़े होते हैं ना वो भी है, और अंदर अगर जाएंगे तो मीटर्स के हिसाब से भी वो लोग देंगे। बाहर उन लोगों ने वही जो इंडिया वाली हरकत होती है वही की है, यहाँ पे ये सेल में टुकड़ों को लगा के रखा है। ये सिल्क और सैटिन और कॉटन, और ये लेदर है। आपको ऐसा कौन सा कलर नहीं है जो यहाँ नहीं मिलेगा? लाइन से सारे कलर लगे हुए, अंदर तो पूरा का पूरा भंडार है, बाहर उन्होंने सिर्फ ऐसे ही रखे ताकि हम जैसे लोग जो निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो लोग लें। लेकिन इंडिया में भी अच्छी कॉटन मिलती है, इंडिया से अच्छी कॉटन कहाँ मिलती होगी। पर ये पूरी जो मार्केट है वो कपड़े की ही मार्केट है, यहाँ पे आपको हर तरीके की फैब्रिक मिल जाएगी, वेलवेट भी है, कॉटन भी है, नेट भी है, लेदर है, पूरा का पूरा अलग से ही मार्केट है। पता है आपको, खाने पीने का पीछे रह गया अभी है, हम इस मार्केट में पहली बार आए, कपड़े का मार्केट है। हाँ ये हम लोग ने पहली बार ये कोना देखा है। और ये ड्रेसेस लगे हुए हैं ना, इस तरह के ड्रेसेस के लिए यहाँ पर बेस्ट कपड़े मिलेंगे, और ढूंढना पड़ेगा, लेकिन एक से एक बढ़कर है यहाँ पर। चलो ये तो मार्केट काफ़ी बड़ी है, कहाँ तक रिकॉर्ड करूँगी इतना देख ही लेता काफ़ी है। मेरा वो सुनने को कहानी मिल गया है, देखो मजाक बोलती है वो, देखो इंडियन मिलता तो कहानी बना।
अच्छा लगता है ना, खाना भी इंडियन रेस्टोरेंट है हम लोग अभी चाह रहे हैं इधर इंडियन रेस्टोरेंट है अभी भूख नहीं है। तो हमें ये मिला है ये हमने तुर्की में भी खाया था आफरीन, एक बार खाकर टेस्ट बताओ कैसा लग रहा है। खा चुके ना हम पहले। हाँ तो खाओ बताओ कैसा लग रहा है। सब जगह का एक जैसा ही होता है लेकिन अब देखते हैं यहाँ का कैसा है। खाओ आ जाओ खिलाओ। अच्छा ठीक है, अच्छा है, टेस्टी है ना। लो अब तू खाओ। अब यहाँ पर दोस्तों ये है एनवर मेट्रो स्टेशन और यहाँ से अभी हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे सीधा एक्वेरियम की। आज प्लान ये अचानक से बन गया आफरीन की वजह से। और यहाँ वहाँ एक्वेरियम में जाने से पहले कोई रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, कुछ खाएंगे और सीधे एक्वेरियम जाएंगे। कोशिश करेंगे एक्वेरियम का ब्लॉग देने की लेकिन बहुत अंधेरा होता है इसीलिए मज़ा नहीं आता है। तो खैर आपको घर पर जाकर ही कुछ बताएंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर डाउट होता था कि मेट्रो में 4G चलता है कि नहीं चलता है, पर मेट्रो में भी 4G चलता है। ये देखो पूरा नेटवर्क दिखा रहा है, फुल नेटवर्क दिखा रहा है और मेट्रो एक्सपीरियंस काफ़ी सही है। आप देखो यहाँ पर ऐसा लोग बैठे हैं, उधर भी लोग बैठे हुए हैं, आफरीन बैठी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हैं और अब हम लोग ने पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया है और यहाँ पर हमें लगा था कि भाई वो छोटा सा पिज़्ज़ा होगा लेकिन बहुत बड़ा पिज़्ज़ा आ गया है। इसके साइज़ तो देखो, लेकिन क्रस्ट जो होता है ना इनका बहुत थिन होता है, वो कितना पतला है। और आफरीन जरा पिज़्ज़ा खा के बताइए कैसा लग रहा है आप बताइए आप टेस्ट। हम सोच रहे स्पून से और इससे खाएगा वो बेहतर रहेगा। ठीक है ये है ऑक्टोपस, पता नहीं क्या कर रहा है, बहुत देर से यही बैठा है। बच्चे लोग के लिए एंटरटेनमेंट है थोड़ा सा। आपको समझ में आ रहा है वो क्या गा रहा है? सब समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है वो? वो बोल रहा है कि कानों के अंदर आपके जूही हो गई है, अगर बालों में जू हो गई है तो झूला झूला झूला। तो हम लोगों का एक्वेरियम कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट में जो शो हुआ था उसमें कोई सिंगर थे, आयजा को उनका ऑटोग्राफ भी मिल चुका है, दिखाओ आयजा। और सारे बच्चों को बड़ा ही मज़ा आया और हम यहाँ पर हम यहाँ कॉफ़ी पीने वाले हैं कि बाहर आकर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, यहाँ का मौसम थोड़ा हुआ हाथा हुआ, यहाँ का मौसम थोड़ा सा बारिश वाला है, थोड़ा हवा वाला है, इसलिए उसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। वैसे यहाँ 11 डिग्री सेल्सियस है और ये हमारे हीरो अपने हीरोपंथी दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे? बहुत अच्छा मौसम हो चुका है लेकिन बारिश और आईफिल टावर सामने ही है। मैंने बोला ना आईफिल टावर मैंने अभी नोटिस किया। अच्छा है अभी बारिश हो रही है, चाय पी कॉफ़ी पीते थोड़ा माहौल अच्छा करते फिर निकलते हैं। बरसात का मौसम हो रहा है, गरम गरम कॉफ़ी, आईफिल टावर पीछे, ठंडी का मौसम और क्या वाइब आ रही है, मज़ा आ गया। आफरीन कॉफ़ी चखिए पी अच्छी है। वैसे एक चीज़ हमने नोटिस किया कि कॉफ़ी का हर जगह टेस्ट एक जैसा ही है। बारिश आ रही, बारिश कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लगा कि कॉफ़ी कुछ अलग मिले पेरिस के अंदर, चाहे वो कैपेचिनो हो, चाहे वो क्या अभी कुछ अच्छा ही नाम बोला, भूल गया हमें, या एस्प्रेसो हो, सब एक जैसा ही लगता है। मौसम बारिश तो अच्छा है लेकिन थोड़ा ख़राब हो गया है, अभी हम लोग को मेट्रो में भागना है फटाफट से वरना हम लोग की ट्रेन नहीं इधर मिस नहीं होगी। तो एक्वेरियम हो गया, कॉफ़ी हो गई और बारिश भी हो रही है और हम आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग अब सीधा होटल जा रहे हैं, यहाँ से ट्रेन में जाना पड़ेगा और उसके बाद डिनर के बाद अगला ब्लॉग होगा कल से शुरू। कल हम लोग क्या करने वाले हैं वो हम कल ही बताएंगे, वो एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ है, मेरी फेवरेट जगह है, तो आप लोग गेस करो कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।